मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम हॉलैंड में, तो वहाँ एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते। तो मैंने कहा क्यों। तो मैंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था, और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था, एक जापानी साइंटिस्ट आया था उसने जापानीज में पढ़ा था, रूस का एक साइंटिस्ट था उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सबके सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे, तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा। उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं। लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए, ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है। और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? हाँ बिल्कुल होती है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता? अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज में उपलब्ध है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं। तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। तो हिंदी पहले संयुक्त राष्ट्र में स्थापित होगी तब भारत सरकार मानेगी इसको कि अब तो संयुक्त राष्ट्र में हो ही गई है, तो शर्म से डूब मरना, तो इसलिए हिंदी को फिर भारत में वो स्थापित करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जल्दी से जल्दी हिंदी को
जो दर्जा देने की बात वो कह रहे हैं वो मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही पिछले कुछ 6-8 महीने से, तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर आपको हिंदी में क्या विशेषता दिख रही है जो आप ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा हो। तो उन्होंने कहा अरे हिंदी में तो उतना ही दम है जितना चीनी भाषा में। वो कहते हैं हिंदी में उससे ज्यादा दम है जितना फ्रेंच में। वो कहते हैं हिंदी में तो और भाषाओं से ज्यादा दम है। वो कहते हैं फ्रेंच तो इतनी बोली और पढ़ी नहीं जाती पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा तो हिंदी बोली और पढ़ी जाती। तो वो मानते हैं कि हिंदी में दम है, और उसका कारण वो मानते हैं कि हिंदी का संस्कृत से जुड़ाव। वो कहते हैं ये जो संस्कृत से आपका जुड़ाव है ये आपकी ताकत है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अब ये मान लिया और दुनिया भी धीरे धीरे मान रही है। आपको मालूम है दुनिया में कई ऐसे बड़े टेलीविजन चलाने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने अपने विशेष हिंदी चैनल शुरू किए पिछले 20 साल। एक तो सबसे बड़ा उदाहरण दूं, चीन जो भारत का धुर विरोधी है उसने हिंदी रेडियो शुरू किया, मालूम है आपको? और चीन का हिंदी रेडियो हमारे रेडियो से अच्छा और साफ सुनाई देता है पूरी दुनिया में, सुन के देख लो। कारण जानते हैं? क्योंकि चीन की सरकार कहती है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं दुनिया में, इसलिए उनका रेडियो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन संस्था अब तक हिंदी में समाचार देती थी दिन में 1 घंटे, माने पहले तो आधा घंटे आते थे फिर 1 घंटे हुए, अब पूरा हिंदी का एक चैनल ही शुरू कर रहे हैं वो, थोड़े दिन में चालू होने जा रहा है 24 घंटे। अब बीबीसी हिंदी पे आ रही है, चीन ने हिंदी का रेडियो शुरू कर दिया, जर्मनी की सरकार का हिंदी रेडियो चालू है इस समय, मालूम है आपको? धुआंधार चल रहा है, खूब सुना जाता है जर्मन रेडियो जो हिंदी में आता है। फ्रांस की सरकार तैयारी कर रही है हिंदी रेडियो शुरू करने की, स्पेन में तैयारी चल रही है। तो दुनिया भर के देशों में अब हिंदी के प्रति नजरिया बदल रहा है और उनको हिंदी 100 करोड़ लोगों की भाषा दिखाई दे रही है, और दुनिया के देशों को जोड़ें तो 120, तो 120 करोड़ लोगों की भाषा को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के कई देश इसमें समा जाएंगे, इसलिए इसकी ताकत बहुत बड़ी है। और एक तीसरी बात यह हुई है कि हिंदी बोलने समझने जानने वालों का बाजार अब दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदी बोलने जानने समझने वालों की क्रय शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बहुत बड़ी संभावना है दुनिया की कंपनियों के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने विज्ञापन हिंदी में शुरू कर दिए। ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियां हैं जो हिंदी विज्ञापन कर रही हैं आजकल, अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां हिंदी विज्ञापन कर रही हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदी विज्ञापन लोगों को उनका जल्दी समझ में आता है अंग्रेजी की तुलना। तो कंपनियों को हिंदी की ताकत पता चल गई है, सरकारों को दुनिया में हिंदी की ताकत पता चल गई है, अर्थव्यवस्थाओं में जो हर समय काम में लगे रहने वाले अर्थशास्त्री हैं उनको हिंदी की ताकत का अंदाजा हो गया। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि खाली हिंदी भाषा के आधार पर भारत का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो भारत 450 से 500 लाख करोड़ रुपए वाला देश है, ये अर्थशास्त्री अब मान रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की भाषा में हिंदी मजबूत हो रही है, दुनिया के सरकारों की नजरों में हिंदी मजबूत हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। बस आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ये दुनिया में जब हिंदी समर्थक और हिंदी सहयोगी बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा हिंदी का ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा इज्जत करना शुरू कर दो तो ये सब काम पक्का हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि दिया तले अंधेरा। दुनिया भर में हिंदी सीखने समझने वालों की संख्या बढ़े, सरकारें करोड़ों डॉलर का बजट उस पर लगाएं, जर्मनी की सरकार ने तो विशेष संस्थान बनाना शुरू कर दिया, अरबों डॉलर का बजट है कि जो हिंदी सीखे और सिखाएं,
संस्कृत सीखें और सिखाएं। और यहाँ जब हैदराबाद आऊं तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक हर जगह पढ़ने को मिलता है, 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए, 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, शर्म आती है। यहां बोर्ड मिलने चाहिए 30 दिन में तेलुगु सीखिए, या 2 महीने में तेलुगु सीखिए, या 4 महीने में और अच्छी तेलुगु सीखिए, संस्कृत निष्ठ तेलुगु सीखिए, साहित्यिक तेलुगु सीखिए, ऐसे बोर्ड लगे हो यहां, या हिंदी सीखिए। ये अंग्रेजी सिखाने वाले कहां से पैदा हो गए हैदराबाद में? यही है मैकॉले की आत्माएं। इन मैकॉले आत्माओं से पिंड छुड़ाओ अपना और इस समाज का, तो पिंड कैसे छूटेगा? इसके रास्ते हैं कि ये जितनी मैकॉले आत्माएं हैं इनसे असहयोग करो और इनका बहिष्कार करो, इनको अपने किसी सम्मान समारोह में मत बुलाओ और इनका कोई सम्मान मत करो और इनसे कोई रिश्ता मत रखो। आपके घर में शादी है, अपने घर का निमंत्रण उनको मत दे के आओ जो मैकॉले मानस पुत्र, मत बुलाओ उनको अपने घर, और उनके घर आप मत जाओ। देखो कैसे सुधरते हैं ये सब अल्प मत में हो जाएंगे थोड़ी ही देर में, आप देख लेना। जैसे ही आपने इनसे रिश्ता तोड़ा और इनसे मुख मोड़ा, ये सब तो अल्प मत में आ जाएंगे। इनकी जड़ें तो आपके पानी से सिंचित हो रही हैं, आपने इनकी जड़ों में पानी देना बंद किया, ये तो सूख जाएंगे सबके सब, मर जाएंगे, चिंता मत करो। जैसे मैकॉले मर गया वैसे ये भी मर जाएंगे। आप बस इनसे रिश्ता और व्यवहार अपना कम कर दो तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब शुरू कहां से करना, छोटी छोटी बातें। आपके घर कोई निमंत्रण पत्र लेके आए बेटे या बेटे की शादी का, बेटे या बेटी की शादी का, और अगर वो अंग्रेजी में है उसी के सामने फाड़ के फेंक दो, देखो क्या असर होता है। मैंने किया, ये मैंने किया। एक बहुत इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आए अपने बेटी की शादी का निमंत्रण देने हरिद्वार पतंजलि योग पे, अंग्रेजी का निमंत्रण पत्र मैंने फाड़ दिया। कहने लगे ये क्या किया आपने? मैंने कहा मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ूंगा क्या? कहने लगे आपको नहीं आती? मैंने कहा नहीं आती। कि मैं पढ़ के सुनाऊं? मैंने कहा तो फिर सुनूंगा नहीं, मैं बंद कर लूंगा अपने काम, मुझे सुनना नहीं। कहने लगे तब आप शादी में नहीं आएंगे? मैंने कहा फाड़ने का मतलब ही ये है कि मैं नहीं आऊंगा। कहने लगे स्वामी जी? मैंने कहा उनको भी नहीं जाने दूंगा। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जब उनको मैंने कहा कि स्वामी जी को भी नहीं जाने दूंगा, कहने लगे कैसे रोकोगे? मैंने कहा सत्याग्रह करूंगा। तब वो लौटे, फिर उन्होंने हिंदी में निमंत्रण बनाया, फिर मुझे देने आए, स्वामी जी को भी दिया, तब स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हम भी गए उनकी शादी। एक झटके में ठीक हो गए, वो सारा अंग्रेजी गुरूर उनका निकल गया। होता क्या है कि हम चूंकि विरोध नहीं करते इसलिए सामने वाले को लगता है कि सब अच्छा है जो हम कर रहे हैं। एक आदमी भी विरोध करना शुरू करे भले वो कम है लेकिन थोड़े दिन में वो ताकतवर हो जाता है। तो आपके पास अगर कोई अंग्रेजी निमंत्रण पत्र लेके आए तो आप यही करो उसका, और उससे कहो या तो तेलुगु में ले आओ या हिंदी में ले आओ, अंग्रेजी निमंत्रण पत्र पे हम नहीं जाएंगे कहीं भी, यहां से शुरू करो। फिर अपने बच्चों के नाम बदलो, ये पिंकू टिंकू बबली डबली ट्विंकल डिंपल पिंपल ये सब बंद करो। अच्छे अच्छे हिंदी में नाम है, संस्कृत में बहुत अच्छे नाम है, वो सब नामों से बच्चों को बुलाओ। इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि जवान पे चढ़ गया टिंकू, उतरने में देर लगेगी लेकिन प्रयास के साथ आप करोगे तो थोड़े दिन में उतर जाए। और बच्चों को समझाओ कि आपका जो व्यक्तित्व है वो टिंकू नहीं है, वो कुछ भी है, राम है, श्याम है, मोहन है, कृष्ण है, जो भी है, टिंकू तो नहीं है। तो बच्चे भी समझेंगे आप भी करोगे। तो नाम अपने सब हिंदी में, तेलुगु में, संस्कृत में, और आपके घर में आने वाले निमंत्रण पत्र सब तेलुगु हिंदी आदि आदि संस्कृत वगैरह वगैरह।
फिर तीसरा काम, घर के बाहर दरवाजे पर देखो कहीं अंग्रेजी में तो कुछ नहीं लिखवा रखा, आरसी मिश्रा, एपी शर्मा, ये क्या होता है एपी शर्मा, आनंद प्रकाश शर्मा तो समझ में आता है, एपी शर्मा क्या है, रमेश चंद्र मिश्रा समझ में आता, आरसी मिश्रा क्या है, ये मूर्खता कम करो। कहते हैं जी हमने संक्षेप कर दिया, किसने बोला था आपको संक्षेप करने को, हमको बोलने में कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है, आनंद प्रकाश शर्मा हम बोल रहे हैं भाई, तो संक्षेप करने की जरूरत क्या, नाम के संक्षेप थोड़ी हुआ करते हैं दुनिया में, नाम जो है ना एक ऐसी संज्ञा है जिसका संक्षिप्तीकरण नहीं होता, और नाम एक ऐसी संज्ञा है जिसको बदल नहीं सकते आप, वो जो है सो है, आनंद प्रकाश है तो है, राम प्रकाश है तो है, लक्ष्मण प्रकाश है तो है, अब इसका संक्षेप मत करो, लक्ष्मण प्रकाश का एलपी मत करो, आनंद प्रकाश का एपी मत करो, रमेश चंद्र का आरसी मत करो, घर के बाहर जितने आपके बोर्ड लगे हैं नाम पट इनको ठीक कर लो, यहां से शुरू करो। चौथा काम क्या करना, इज्जत बढ़ानी है हिंदी की, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करो, पत्र लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो, पता लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो, कई महानुभाव हैं पत्र तो हिंदी में लिखते हैं, पता जरूर अंग्रेजी में लिखेंगे, और पत्र भी हिंदी में पता भी हिंदी में, लेकिन हस्ताक्षर जरूर अंग्रेजी में करेंगे। क्या मोह है, ऐसा मोह, हस्ताक्षर अंग्रेजी में हर समय, ये मोह को छोड़ो, क्योंकि इज्जत बढ़ानी है आपको हिंदी की, तो हस्ताक्षर हिंदी में करो, बहुत अच्छा होगा तेलुगु में करो, हिंदी की बहन तो है, हिंदी नहीं तो हिंदी की बहन है, मां नहीं तो मौसी तो है, तो मौसी की भी तो कोई इज्जत है, मां के जैसी है इसलिए मौसी है, तो या तो तेलुगु में करो, नहीं तो हिंदी में करो, नहीं तो संस्कृत में करो हस्ताक्षर। और अभी भारत सरकार के कुछ प्रयास हुए हैं जिसके आधार पर हर बैंक हिंदी हस्ताक्षर किए चेक को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है, मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो बैंक का लाइसेंस रद्द, तो इसका फायदा उठाओ, हर बैंक आपका हिंदी चेक हस्ताक्षर वाला स्वीकार करेगा, हिंदी में लिखा हुआ चेक भी स्वीकार करेगा, ड्राफ्ट भी हिंदी में लिखा हुआ, तो आप अपने हस्ताक्षर हिंदी कर दो, बैंक में हस्ताक्षर का नमूना बदल दो, अगर कभी पहले अंग्रेजी हस्ताक्षर कर दिए गलती हो गई अब ठीक कर लो, नमूना बदलने के लिए बैंक आपको समय देता है मोहलत देता है, तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। और फिर एक चीज करो कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द आपके भंडार में हो, भंडार माने दिमाग में, इसके लिए हर दिन कुछ नए हिंदी शब्द सीखो और उनके उपयोग करो। भाषा की ताकत, मैं बार बार कह रहा हूं, उपयोग से तय होती है, जितना ज्यादा उपयोग करोगे भाषा उतनी मजबूत होगी, तो हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो तो ज्यादा से ज्यादा शब्द आपको आने चाहिए, तो शब्दों का भंडार बड़ा करो। हम कभी ईमानदारी से ये लिखें कि हमें कितने हिंदी शब्द मालूम है, तो शायद 500 से 1000 में सबकी गिनती खत्म हो जाएगी, जबकि शब्दों की संख्या 80 लाख से ज्यादा है। तो सीखो नए नए हिंदी शब्द, और उसको सीखने के लिए आप पुस्तकों का सहारा लो। देखो शब्द नए सीखना तो सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा हिंदी की पढ़ो तो नए नए शब्द आपके भंडार में आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। जो पुस्तकें आपको पसंद हैं, जैसे किसी को कहानी की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो, किसी को कविता वाली तो वो पढ़ो, किसी को उपन्यास पसंद हैं वो पढ़ो, किसी को आर्थिक विषय की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो, हिस्ट्री माने इतिहास की तो वो पढ़ो, पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे शब्द भंडार बढ़ता ही जाएगा। और जितने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे उतनी ज्यादा मजबूती भाषा की आप में होगी, और आप फिर उसका ज्यादा सम्मान करेंगे और फिर दूसरा आपसे ज्यादा सम्मान करेगा उसका। और एक दो छोटे छोटे काम आप कर सको अपने जीवन में तो बहुत अच्छा है, कि आपने कोई प्रतिष्ठान बनाया, माने कोई आपका व्यापारिक केंद्र है, प्रतिष्ठान है, कोशिश करो कि उसके नाम भी हिंदी में आ जाए जितना ज्यादा से ज्यादा संभव, नहीं तो तेलुगु में आ जाए, तो आपके प्रतिष्ठान का नाम, फिर आपके घर का नाम, कई लोग घर का नाम रखते हैं,
तो घरों के नाम भी हमारे सब हिंदी में आ जाएं, प्रतिष्ठान के नाम सब हिंदी में आ जाएं, बच्चों के नाम हिंदी में आ जाएं, पड़ोसियों परिवारों को संबोधन हमारे सारे हिंदी में आ जाएं। इसमें बिल्कुल शर्म मत महसूस करो कि अंकल की जगह किसी को भी चाचा कहो काका कहो, कोई शर्म की बात नहीं। काका बहुत सम्मानजनक शब्द है, चाचा बहुत सम्मानजनक शब्द। ताऊ कहो, मामा कहो, मौसा कहो, जो कहना है कहो। ये अंकल के चक्कर में, आंटी के चक्कर में, ये सब हटाओ अपने जीवन। और कुछ ऐसे फालतू अंग्रेजी शब्द हमने जबरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लगा रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, हमें भी नहीं मालूम। मदर इन लॉ, ये नहीं कहते ये सासू माँ है, कहते मदर इन लॉ। अभी मदर इन लॉ कौन सी है, इधर वाली है उधर वाली है, कौन सी है पता तो चले। फादर इन लॉ पता ही नहीं, इधर वाले उधर वाले। ब्रदर इन लॉ तो बड़ा घोटाला है, वो साला भी है जीजा भी है। हिंदी में साला जीजा दोनों विरोधी हैं। साला माने पत्नी का भाई, जीजा माने बहन का पति। अंग्रेजी में दोनों एक ही हैं, ब्रदर इन लॉ। क्योंकि अंग्रेजी में रिश्तों को अलग अलग करने के शब्द ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं है, क्योंकि परिवार नहीं है, क्योंकि शादी नहीं है। जहां शादी नहीं, जहां परिवार नहीं, वहां रिश्ते नहीं, वहां रिश्तों के अलग अलग नाम नहीं। ये तो भारत है, जहां पर शादी है, परिवार है, रिश्ते हैं, तो रिश्तों के अलग अलग नाम है। तो हर जगह आप छोटा छोटा प्रयास करना शुरू करोगे तो बड़े बड़े काम इसमें से हो जाएंगे। आप ऐसे ही संकल्प ले लो जैसे महात्मा गांधी ने 29 मार्च 1918 को लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को कह दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। बस आप भी कह दो दुनिया को कि हम अंग्रेजी भूल गए, हमको हिंदी मालूम है, तमिल मालूम है, तेलुगु मालूम है, कन्नड़ मालूम है, संस्कृत मालूम है, हिंदी अंग्रेजी सब मालूम, अंग्रेजी भूल गए हम, नहीं आती हमको, बात खत्म। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या किसी अंग्रेज को हिंदी नहीं आती, तो बराबर हो गए कि नहीं। हम अपने बच्चों को मार मार के जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप एक बार लंदन का भ्रमण कर लो, इंग्लैंड चले जाओ और वहां देखो कि कौन माँ बाप अपने बच्चे को मार मार के हिंदी सिखा रहा है। एक भी अंग्रेज अगर मिल जाए आपको जो बच्चों को मार के हिंदी सिखा रहा हो, तो उसी दिन से मैं अंग्रेजी छोड़ दूंगा, हिंदी के बाद अंग्रेजी में लग जाऊंगा। एक अंग्रेज ले आओ ढूंढ के जो बच्चों को मार के हिंदी सिखाता हो। जब अंग्रेज अपने बच्चों को मार के हिंदी नहीं सिखा रहे, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हो मार मार के? तो आप फिर वही गलतफहमी के शिकार, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 11 देशों में ही अंग्रेजी है, और वो भी इंग्लैंड के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, फिर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो सब एक ही है ना। ऐसे 11 देशों में, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है, तो जहां अंग्रेज थे अफ्रीका में अंग्रेजी है, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, और आप डेनमार्क में जाओ तो डेनिश है। सबसे छोटा देश डेनमार्क, वहां भी डेनिश है। सबसे छोटी भाषा है दुनिया की, 70 लाख लोगों का देश है डेनमार्क, अपनी भाषा नहीं छोड़ी उन्होंने। डेनमार्क में आप जाएंगे तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं वो। 70 लाख का देश, मुश्किल से। वो कहते हैं भाषा अगर हमने छोड़ी तो सब छूट जाएगा हमारा। तो उनका आग्रह अगर इतना प्रबल है कि 70 लाख की आबादी वाले देश के लोग डेनिश में सब कर रहे हैं, तो 120 करोड़ की आबादी वालों को तो और ज्यादा गर्व होना चाहिए। तो आप मत छोड़ो इस हिंदी को, रोज की बोलचाल में हिंदी, सामान्य व्यवहार में हिंदी, खास व्यवहार में भी हिंदी। खास व्यवहार माने आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़े मूल चिंतन के विषय पर काम कर रहे हैं, वहां भी आग्रह रखो हिंदी। और एक छोटी सी आखिरी बात कि हिंदी का प्रयोग करते समय आप जितना ये ध्यान रखोगे कि सरल शब्द और छोटे वाक्य, सरल शब्द छोटे वाक्य,
जितना आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाओगे, बोलना है, लिखना है, कहना है, उतनी ही हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। ये हिंदी का कुछ नुकसान हमारे ऐसे मित्रों ने भी किया है जो क्लिष्ट क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती, फालतू का अहंकार मन में पाल रखा है, भारी शब्द होना चाहिए, सामने वाले के समझ में ना आए, करोगे क्या उस भारी शब्द का, कई बार अपने समझ में नहीं आता, तो ये भगवान के लिए मत करो। देखो, ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है ना, सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है, ठीक है, तो सामने वाला भी सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है, जो ईश्वर करता है वही सब करते हैं। तो आपके सामने कोई व्यक्ति है, बोल रहे हो तो सुनने वाला है, लिख रहे हो तो पढ़ने वाला है, और पढ़ा रहे हो तो कोई पढ़ने वाला है, ये तीनों कैटेगरी के, तीनों श्रेणी के लोग सरल शब्द, छोटे वाक्य जितने कहोगे, जितने उपयोग करोगे, उतनी ही भाषा आपकी लोकप्रिय होगी। और भाषा की लोकप्रियता माने, आपने बोला, उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा, फिर उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा, फिर उसने, ये लोकप्रियता। और ये लोकप्रियता जितनी बढ़ेगी हिंदी की, बहुत जल्दी हिंदी संवैधानिक पद पर आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अब हमने तो संकल्प ले लिया, भारत स्वाभिमान एक अभियान शुरू हुआ सारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में, तो हमने 64 काम करने का संकल्प लिया है। उसमें से एक काम है कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में से अंग्रेजी को निकाल बाहर करेंगे, और हर शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा होगी या राष्ट्रभाषा हो, ये हमारा संकल्प है, हम तो करने ही वाले हैं, और 4-5 साल बाद ये होने वाला है। तो 4-5 साल बाद जब ये हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको अभी से तैयार कर रहा हूं, नहीं तो अचानक से हुआ तो आप ही बौखला जाओगे। अगर हमने आज ही सारे देश में ये कर दिया कि अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम से निकाल दिया, तो आप जैसे माता पिता ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे को पीछे करना चाहते हैं, आगे नहीं लाने देना चाहते हैं। तो आपकी मानसिकता 4 साल में तैयार हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि आप हिंदी का जितना उपयोग करेंगे, जितना उसका प्रयोग करेंगे, उतना उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और भाषा की ताकत है ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाना। तो आप अपने जीवन से इसको शुरू करें, फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं ना, उनसे पूछें, जिनको आप वोट देते हैं, संसद में भेजते हैं, उनसे पूछना शुरू कर दो कि भैया 1950 में आपने तय किया था कि 15 साल बाद अंग्रेजी हट जाएगी, हिंदी आ जाएगी, तो ये 15 साल कब पूरे हो रहे हैं? 1950 हो गया, 65 में 15 साल हो गए, फिर अभी कितने साल हो गए, कब तक करोगे? और बता दो कि हम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी को, दूसरे को चुन लेंगे जो करेगा। जरूरी है तुम्हारे ही ठेका ले रखा है कि तुमको ही चुन के भेजें वहां संसद में? या तो तुम बताओ कि कितने दिन में करोगे, नहीं तो तुम हट जाओ, दूसरा कोई आएगा वो करेगा। अब ये नहीं है कि 15 साल की जगह 60 साल हम इंतजार करते रहे, 70 साल इंतजार करते रहे। तो हमने तो नेताओं से खरी खरी सुनाना शुरू कर दिया, और नेताओं से ये कहना शुरू किया कि जब तुम वोट मांगने हिंदी में जा सकते हो तो संसद में हिंदी में बात क्यों नहीं करते? हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब वोट मांगने गए थे तो आपने असमिया भाषा में व्याख्यान दिया, क्योंकि उनकी सीट जो है ना गुवाहाटी से है, तो असम के लोगों को प्रभावित करने के लिए असमिया बोली उन्होंने, फिर कुछ हिंदी बोली, फिर कुछ पंजाबी बोली, और संसद में हर समय अंग्रेजी में बात करते रहते। इसका माने ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप। अपने लोगों से वोट मांगा तब आपने उनकी भाषा बोली, और उन्होंने वोट दे दिया, अब आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे, ये कैसे चलेगा? हमने प्रतिपक्ष नेता को भी कहा, श्री लाल कृष्ण अडवाणी को, आप अंग्रेजी में व्याख्यान क्यों देते हैं भाई? जब आप हिंदी में वोट मांग सकते हैं तो संसद में अंग्रेजी में क्यों बोल रहे? तो अभी इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी सबके। आप इनसे सवाल पूछते जाओ, इनके पास जवाब नहीं हो तो ये खुद ही जगह छोड़ेंगे, और वो जगह ऐसे लोगों द्वारा भरी जाएगी जो हिंदी की बात करेंगे, राष्ट्रभाषा की बात करेंगे, मातृभाषा की बात करेंगे।
तो संसद में भी बदलाव करना है, हमारी न्यायपालिका में हमें बदलाव करना है कि कोई भी मुकदमे का फैसला उस भाषा में होना चाहिए जिसमें वादी और प्रतिवादी समझ सके। अगर वादी प्रतिवादी तेलुगु वाला है तो फैसला तेलुगु में आना चाहिए, और कोई जज ये कहता है मुझे तेलुगु नहीं आती तो उसको तेलुगु सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखेगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अंग्रेजी में फैसला देकर और भारत के तेलुगु लोगों के पैसे पर अपनी तनख्वाह बनाता रहे और फैसले अंग्रेजी में देता रहे, ये तो अपमान है करोड़ों लोगों का। तो भारत की न्याय व्यवस्था को ये समझाना है कि फैसले उसी भाषा में आने चाहिए जिसमें लोग समझते हैं, और बहस भी उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें लोग समझते हैं। तो न्याय व्यवस्था से अंग्रेजी हटानी है, पाठ्यक्रम शिक्षा से अंग्रेजी हटानी है, हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से अंग्रेजी हमें हटानी है, हमारी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में से अंग्रेजी हमको हटानी, हर जगह से अंग्रेजी हटानी है। तो आप बोलोगे अंग्रेजी जाएगी कहाँ? अंग्रेजी जाएगी पुस्तकालय में, बस और कहीं नहीं। सब समाज के अलग अलग अंगों से अंग्रेजी को हटाकर रखना है पुस्तकालय में, जिसको पढ़ना है वो पुस्तकालय जाए, पढ़े और अपना काम चलाए। समाज में अंग्रेजी नहीं होगी, संसद में नहीं होगी, न्यायालय में नहीं होगी, हमारे विज्ञान प्रयोगशालाओं में नहीं होगी, सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी, कामकाज के स्थान पर नहीं होगी, अंग्रेजी होगी पुस्तकालय में।